टीवी भारती समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। जनपद मैनपुरी में भी सेना की नई भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ योजना के विरुद्ध कुछ छात्रों द्वारा घिरोर बाईपास रोड बस स्टैंड पर किए गए पथराव एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखा। तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों व पथराव करने वालों को खदेड़ा। आपको बता दें, आज घिरोर बाईपास पर कुछ युवकों द्वारा एक रोडवेज बस पर पथराव किया गया। चालक ने सूझबूझ दिखाई और आगे जाकर बस को रोककर 112 को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। बताते चले कि अग्निपथ विरोध की आज मैनपुरी जनपद में भी पहुंच गई है। क्या हुआ, कोई चोटिल भी है? चोटिल नहीं है, कोई एसी का स्टूडेंट, कोई किसी के कोई चोट वगैरह तो नहीं है? कुछ नहीं हुआ है। तो ये घिरोर बाईपास की घटना है? क्या कारण रहा है सर? घिरोर बाईपास पे एक रोडवेज बस जा रही थी कि अचानक कुछ लड़के आए और दूर से उन्होंने पत्थर फेंका, उसका एक शीशा टूट गया। ड्राइवर आगे जाकर के उसके द्वारा बताया गया। इस संबंध में तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची है। ड्राइवर के तहरीर पे FIR लाज किया जा रहा है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आप सबके माध्यम से ये अपील भी है कि अगर कोई बात किसी को कुछ कहनी है तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहें। अगर तोड़फोड़ की कार्रवाई करेंगे तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारी ड्यूटियां पूरे जनपद में लगी हुई हैं, चाक चौबंद व्यवस्था में है और लगातार पुलिस भ्रमणशील है जिससे कि कोई किसी तरह का उपद्रव ना हो सके। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।